गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? ओके, तो थोड़ा एक दो दिन लेट हो गया वीडियो में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज हमने किया, और आज मैं आप लोगों को इस यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मतलब अप्लीकेशन टॉपिक तो अभी और भी होएगा, बट एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर कन्वर्ट करें चीजों को। डू यू नो दिस? जैसे हम यूनिट्स कन्वर्जन करते हैं ना, कि भाई जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या बोलते हैं आप लोग? दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो वो बचपन में याद कर रखा है ना। और जैसे बोलूँ कि भाई 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो क्या होता है आंसर? दैट इज 1000 ग्राम, है ना। और टाइम, जैसे 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? दैट इज 3600 सेकंड्स, 3600, है ना। तो इनके तो आते हैं हमें छोटे वाले, लेकिन हम बड़े फिजिकल क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना और कि यूनिट चेंज करना होता है, इट बिकम्स लिटिल बिट टफ। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू कन्वर्ट। यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और आपका हर वीडियो मतलब एक छोटे छोटे पार्ट्स में है। देखो, बहुत बड़ा वीडियो देता हूँ अगर मैं, जैसा कि ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं कि भाई 40 40 मिनट के वीडियो होते हैं, तो चीज कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट की एक अलग वीडियो दे रहा हूँ, एक नए तरीके से, जिससे आपको जब भी लगे कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना है, तो पूरी वीडियो में ढूंढना ना पड़े, आधे आधे घंटे, 40 40 मिनट, 1 घंटे के वीडियोज में आप बस उस वीडियो को खोले और उस वीडियो में सिर्फ वही बातें होंगी। ठीक है, तो चलो आते हैं टॉपिक पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ओके, तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डन। तो जैसे अब देखो, हमारे पास एक बात बताओ कि जैसे अगर मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का लेंथ, लेट इट बी, जस्ट मान लेते हैं कि 1 मीटर है, 1 मीटर। लेकिन अगर दूसरी बार बोलो, कन्वर्ट करता हूँ, यूनिट चेंज करता हूँ लाइक सेंटीमीटर में, तो क्या बोलेंगे हम? दैट इज 100 सेंटीमीटर, है ना भाई। तो यानी कि मार्कर का लेंथ तो नहीं बदला, लेंथ तो वही है और यूनिट भी वही है, मतलब लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, नंबर वन थिंग। नंबर टू, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई, यानी कि वहां पे 1 था तो यहाँ पे कितना हो गया? 100 हो गया। बट एक्चुअली क्या रहा कि वायर तो, ये रॉड तो उतना ही है ना, मार्कर का सब कुछ वही है, लेंथ वही है, बट यूनिट चेंज होने से क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है, दैट्स इट ओनली। ठीक है, तो अब कैसे कन्वर्ट करना है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला क्या रहा? मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी n। n से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसका फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन भी होगा, जैसे m का पावर a है, l का पावर मान लो b है, t का पावर मान लो c है। ठीक है, ऐसे कर लिया, वन 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 कर दिया, क्योंकि सिस्टम ऑफ, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 लिख दिया, और ये हमेशा इक्वल होगा दूसरे से। जैसे हम लिखते हैं ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये एन वन है, तो अब यहाँ पर ये क्या लिख रहा हूँ मैं? एन टू। अब ये मीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, यूनिट भले अलग है बट फिजिकल क्वांटिटी सेम है ना। तो मैं अब लिख रहा हूँ, देखो, एम वन की जगह पे एम टू का पावर ए, एल टू का पावर बी, टी टू का पावर सी। मतलब पावर्स वही है, ए बी सी। क्यों पावर्स वही है? क्योंकि बच्चों फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसलिए पावर सेम रहेगी। जैसे वेलोसिटी एल टी माइनस वन, तो वो किसी और जगह जाएगा, यूनिट चेंज होगा, लेकिन डायमेंशन थोड़ी ना बदलेगा, एल टी माइनस वन ही रहेगा, तो पावर्स विल बी सेम। हाँ, बट मैंने 1 2 इसलिए लिखा क्योंकि पता चल जाए कि फर्स्ट सिस्टम में क्या है, सेकंड सिस्टम में क्या है। ठीक है ना। सो बच्चों, ऐसे तो क्या हुआ कि ये हमने दोनों साइड लिख लिया, हमें निकाला एन टू कि पहले सिस्टम में वैल्यू पता है 1 मीटर है, तो सेकेंड में कितना होगा? जैसे 100 सेंटीमीटर, तो ये एन टू निकालना है, वही 100 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूले को एन टू यहाँ रखता हूँ, सबको नीचे ले जाता हूँ, तो फॉर्मूला बनेगा एन टू इक्वल्स टू एन वन, एम वन बाई एम टू का पावर ए, एल वन बाई एल टू का पावर बी,
एंड टी वन बाई टी टू का पावर सी, इस तरह से ही हमारे पास फॉर्मूला ठीक है जी। नीचे जाएगा ना एम टू, तो एम वन का पावर है, एम टू का पावर है, तो इसने एम वन बाई एम टू का पावर ए लिख दिया ठीक है। इसी तरह से एल वन बाई एल टू का पावर क्या लिख दिया मैंने, दैट इज बी लिख दिया। टी वन बाई टी टू का पावर सी, और टारगेट क्या है हमारा कैलकुलेट करना, ये एम टू कैलकुलेट करना कि सेकेंड सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है बच्चों, क्लियर टू यू। तो एक बार इसको नोट करो, और अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू ये समझाऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो रेडी फॉर दिस, तो नाउ वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम, फॉर्मूला समझ गए। अब देखना मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव गॉट, क्वेश्चन ये है कि 5 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करना है आपने सीजीएस सिस्टम में। अब आप बोलोगे सर ये सीजीएस क्या होता है ना, तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है हमारे पास कि लेंथ सेंटीमीटर में लेना, मास को ग्राम में लेना है ठीक है। और चलो एक बार मैं ये बता भी देता हूं आपको इन डिटेल कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लो, फिर ये क्वेश्चन करते हैं ओके। तो हमारे पास तीन क्वालिटीज थी, क्या क्या था, लेंथ मास एंड टाइम, ये तीन ही को लेकर चल रहे थे। अब देखो हमारे पास पहला सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस में क्या होता है बच्चों कि लेंथ को तो एम फॉर मीटर, लेंथ को किस में कन्वर्ट करते हैं मीटर में, मास को किस में किलोग्राम, टाइम को किस में लेते हैं सेकंड में। तो दिस इज योर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट ठीक है। अगला होता है हमारे पास दैट इज सीजीएस, सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को किस में लेंगे यहां से देख के ग्राम में, एंड टाइम को क्या लेते हैं सेकंड में ही लेते हैं, ज्यादातर यही दोनों यूज हम करते हैं। फिर भी चलो अगर मैं एक और ले लूं दैट इज कॉल्ड एफपीएस, इसका नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड, एफ इज फुट, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में ठीक है, और टाइम फिर से सेकेंड ही रहा। तो ये तीन सिस्टम की मेन बात कर रहे हैं हम, तो इस तरह से इनके ही इंटरकन्वर्जन के बारे में हमने बात करनी है ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सबने ये चीज नोट कर ली है, समझ लिया होगा। अब मैं आप लोगों को कन्वर्जन के बारे में आता हूँ, मेन टारगेट मेरा वो था ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था हमारे पास, 5 न्यूटन फोर्स को हमने कन्वर्ट करना है सीजीएस में, कि 5 न्यूटन सीजीएस सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी ठीक है। डन, लिख दो भाई पहले, सबसे पहले तो एक बात देखो कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देखना है, तरीका समझ लेना, एक क्वेश्चन अच्छे समझ लोगे तो उसके बाद तो मैं प्रैक्टिस ही करवाता हूं। देखो काम एक ही है, एक कॉन्सेप्ट समझ लिया बस दैट्स इट। तो क्या है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ये सबसे पहले देख लो कि जिस क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके। सो वी हैव कन्वर्टेड, वी हैव फाइंड दिस डायमेंशन फॉर्मूला, नाउ वी हैव टू राइट दैट फॉर्मूला। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, एन टू इक्वल्स टू एन वन मास m1 by m2। अब देखो जहां पे मैंने लिखा था फॉर्मूले पावर a है, यहां पे पावर क्या है m का, दैट इज 1 ना, यहां 1 आ गया। अच्छा l1 by l2, l1 by l2, l का पावर क्या है था वहां पे b था, यहां पे पता है l का पावर कितना है 1 है क्योंकि हम फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ t1 by t2 का पावर -2, तो यहां पे -2 लिख देना है, जो कि वहां पे मैंने लिखा था फॉर्मूले में ए बी सी,
That is because of only to convert your these formulas. Okay, bachcha, clear to you? Any problem? ठीक है तो देख लो अच्छे से कि कैसे कैसे मैं इन चीजों को कन्वर्ट कर रहा हूं. ठीक है, समझ में आ रही बातें? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, नाउ अब शुरू करते हैं अगला काम. एन वन न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट यूनिट क्या है आपका? व्हाट इज योर एन वन? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 5. मास, फर्स्ट सिस्टम में ऑफ यूनिट में मास कितना होता है बच्चों? व्हाट इज मास? दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट में मास को क्या लेते हैं? केजी में, क्योंकि न्यूटन जो है वो एम के सिस्टम से रिलेट करता है, तो मास क्या होगा? केजी. यहाँ केजी लिख दो. सेकंड में किस में कन्वर्ट करना था? सीजीएस में. सीजीएस में मास क्या होता है? ग्राम. तो यहाँ पे ग्राम लिख दो. पावर वन. लेंथ की बात आती है, न्यूटन तो एम के सिस्टम है ना, तो न्यूटन का क्या होगा अभी बताओ आपका सिस्टम में? दैट इज मीटर. और सेकंड सिस्टम में सीजीएस में क्या होता है? लेंथ, सेंटीमीटर. अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम तो इसमें भी सेकंड होता है और दूसरे में भी क्या होता है? सेकंड माइनस टू पावर वन. ठीक है, यहां तक कर लिया? जो जो सिस्टम में जो चीजें थी वो कन्वर्ट कर लिया हमने, डन ना? बेसिकली क्या है, छोटे वालों को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, बड़ी चीजों में हम फंडामेंटल्स को हम हमेशा जानते होते हैं. आपको भी टीचर्स ने बचपन में याद करवाया होगा, तो लेंथ का कन्वर्ट करना, मास का एंड टाइम का, तो तीन ही चीजों सीखा था आपने. अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लाना है, तो दिस इज द मेथड एज वी नो कन्वर्जन ऑफ फंडामेंटल्स. ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज आपको बता रहा हूँ. अब आप देखो, अब करना क्या है, ध्यान से सुनना. पहले क्या किया? डायमेंशन फॉर्मूला क्वांटिटी का, फिर मैंने ये चीज कन्वर्ट करी, और मैंने अब दोनों सिस्टम में M1 मतलब फर्स्ट में, M2 मतलब सेकंड में, उनको किन किन चीजों से मेजर करते हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पर. क्लियर ना? अब क्या करना है मुझे? अब हमारे पास है इस दोनों को सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो या केजी को ग्राम में. तो एज वी नो ये आपकी मर्जी है, चाहे ग्राम को केजी, दोनों को एक में कन्वर्ट करना है, ग्राम को केजी में लिख दो या केजी को ग्राम में लिख दो. तो आप लोग दोनों कर सकते हो, लेकिन आप जो आसान लगे वो करो. बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो बड़ी वाली वैल्यूज है जैसे केजी वाला, उसको कन्वर्ट करना आसान होता है, नहीं उसमें डिवाइड करना पड़ता है छोटे वालों में, है ना? तो आसानी क्या है? 1 kg = 1000 ग्राम. नीचे भी क्या है? ग्राम. पावर कितना था? 1. सेकंड में अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना होता मीटर? 1 meter = 100 centimeter. यहां पर भी सेंटीमीटर. टाइम का तो वही दोनों सेकंड ही थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको ऐसे रख दो. ठीक, अब देखो ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, सब कट जाएगा. अब देखना यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यही लिखता हूँ. तो N2 = 5 × क्या बचा है यहाँ पे? 1000 ना, राइट डाउन हियर 1000 × पावर वन है, तो बस 1000 लिखना है. यहाँ पे 100 है, पावर वन है, तो × 100. और कोई वैल्यू तो नहीं बची ना, दैट्स इट. तो आपका आया 5 × 10 power. 1, 2, 3, 4, 5. 10 power 5. तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपकी 5 × 10 power 5. व्हेन यू कन्वर्ट दिस एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो. ठीक है बच्चों, अब लिखो कैसे, देखो वो देखो. 5 newton = 5 × 10 power 5 लिख दो इन सीजीएस, ऐसे लिख दो. ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो अगर पता है तो. वैसे बता देता हूं, डाइन बोलते हैं, DYNE. ठीक है, यानी कि न्यूटन को, न्यूटन होता है एसआई सिस्टम में उसका नाम, और जब आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते हो दैट इज कॉल्ड डाइन. लेकिन ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेना, नहीं पता है तो बस ऐसे लिख दो 10^5 × 5 डाइन, दैट्स इट. ओके, सो नोट कर लें एक बार आप सब लोग ये चीज. डन, समझ में आया? ओके, तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक और क्वेश्चन करते हैं. कॉन्सेप्ट इतना ही था,
क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आप थोड़ा सा उन चीजों को और फोकस कर सके, समझ सके, ठीक है? आई एम गोइंग टू लव दिस। टेंशन नहीं ले रहा हूँ, आराम आराम से सीखो, ठीक है? सीखना जरूरी है। कंप्लीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, परफेक्टली कंप्लीशन इज इम्पोर्टेंट। व्हेन यू आर गोइंग टू फिनिश, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी, व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग, तो फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि चलो हमने ये काम कर लिया नाम के लिए, कि भाई चलो भाई नहाना था तो नहा लिया, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छे से नहाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पूजा करना है तो अच्छे से पूजा करना है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी में पूजा करना था कर लिया, ठीक है? जैसे खाना खाते हो तो फॉर्मेलिटी नहीं करते ना तसल्ली से खाना खाते हो, तो सेम वे पढ़ना भी है तो अच्छे से पढ़ना है, सीखना है चीजों को, इंस्टीड ऑफ फिनिशिंग द थिंग कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, दो पढ़ लिया, तीन पढ़ लिया, सारे चैप्टर्स खत्म हो गए भाई मेरे तो, लेकिन भाई आता कितना उसमें से, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो तभी आपका हो पाएगा जब आप बहुत कंसंट्रेशन से अच्छे से उन चीजों को समझ के आप काम करेंगे, ठीक है? सो बी केयरफुल ऑन दैट, वेदर फिनिशिंग द सिलेबस, जस्ट ट्राई टू मास्टरिंग सिलेबस, ओके? तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास है 6 जून, वर्क कन्वर्ट करना है CGS में, ठीक? जूल तो आपको पता है ना, MK सिस्टम होता है, SI सिस्टम में होता है, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट करना है हमें? वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू CGS सिस्टम। डन। पहला काम, पहला स्टेप क्या बोला था मैंने? टेल मी, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप आपका है इसका डायमेंशन निकालना। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है? ML2P-2। डन। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब वही फॉर्मूला लिखना हमने सबने, तो फॉर्मूला क्या है? N2 इक्वल्स टू N1, M1 बाय M2। अब ABC नहीं लिखूंगा, जो फॉर्मूला मुझे पता वही लिखूंगा। तो फॉर्मूला M का पावर कितना है? 1 है, यहाँ 1 लिख दो। L1 बाय L2 पावर कितना है भाई? और 2 है, 2 लिख दिया। इसमें क्या है? T1 बाई T2 का पावर कितना है? -2, हमने बोल ही दिया। ये समझ में आ गया, पहले ये वाला कर लिया करो, ठीक है? क्लियर ना? मुश्किल लगे तो बताना फिर, मतलब दोबारा देख कैसे सकते हो, दोबारा देख सकते हो, ठीक है? ओके, तो N2 इक्वल्स टू बच्चों N1, व्हाट इज N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट यूनिट, कितना है वो? 6, यहां पर आ जाएगा 6। चलो मास फर्स्ट सिस्टम में, SI सिस्टम में या CGS इस बारे में क्या होता है? KG। सेकंड में क्या होता है? ग्राम। पावर है 1, ठीक? अब लेंथ फर्स्ट में क्या होता था जब हम इसे मेजर करते, तो लेंथ फर्स्ट में क्या होता है बच्चों? दैट इज इन मीटर, तो यहाँ मीटर लिख दिया। L2 में क्या होता है भाई? सेकंड वाले सिस्टम में क्या होता है? क्या? सेंटीमीटर, ये लिख दिया। पावर कितना आ गया? 2 आ गया। फर्स्ट में टाइम क्या होता है? सेकंड। दूसरे में भी सेकंड ही होता है, टाइम वाला चलो अच्छा किया इन लोगों ने, है ना भाई, कि हर में सबने सेकंड लिया, बड़ा अच्छा रहा हमारे लिए, नहीं तो फिर क्या होता है अलग अलग उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है ना, अलग न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बट हियर यू कैन सी कि टाइम सेकंड में ही है, तो चलो हमारे क्या है, हमें तो जितना आसान है वो उतना ही अच्छा है, ठीक है? ओके, तो फ्रेंड्स नाउ N2 इक्वल्स टू 6। चलो भैया फिर वो वाला स्टेप, एक में कन्वर्ट करने वाला क्या है हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं देखो। दैट इज व्हाट, अगर हम मास केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या ग्राम को केजी में, फिर बोल रहा हूँ केजी को ग्राम में कर दो या ग्राम को केजी में कर दो, दोनों को रखना सेम है, बस सेम रखना है, ठीक है? तो केजी को लिख दिया मैंने 1000 ग्राम, और ये ग्राम बड़े से छोटा करना थोड़ा आसान रहता है, नहीं तो यहां जानते क्या लिखना पड़ता है? 1000 अपॉन केजी, केजी अपॉन 1000, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 केजी होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। चलो मीटर को 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर का पावर 2, सेकेंड एंड सेकेंड का पावर -2। अब क्या है, अब तो खिचड़ी पक गई है, बस खाना ही है, ये और ये काट दो, ये और ये काट दो, ये और ये काट दो,
करते ये लो भाई डन। नाउ इनटू 6 इनटू कितना है यहाँ पे 1000 इनटू यहाँ पर 100 है, बट देखो ध्यान से 100 का पावर 2 है। ये 2 कहाँ से आया? फ्रॉम द डायमेंशन 2 था, यहाँ पे 2 लिखा था तो स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखना है? 100 का पावर 2 लिखना है। तो n2 इक्वल्स टू 6 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100 स्क्वायर खोल दिया तो n2 इक्वल टू 6 का पावर 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 7। ओके डन। अब क्या लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा? 6 जूल वर्क इक्वल्स टू 6 इंटू 10 का पावर 7 इन सीजीएस। अगर आपको नहीं पता है तो सीजीएस से लिखोगे, लेकिन को सिंक्रोनाइज करके लिख दिया जाता है 6 इंटू 10 टू द पावर 7। इसका नाम होता अर्ग, ERG, जिसे न्यूटन बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या बोला जाता है? अर्ग बोला जाता है, ERG। तो 6 जूल इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया सब लोगों को? आ रहा है ना समझ में? बता रहा, नहीं आ रहा होगा तो ठीक है। ओके, तो ये कन्वर्जन का काम था और लगभग हम एंडिंग पे चल रहे चैप्टर के। नेक्स्ट अगले वीडियो में ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे हम, ठीक है, यानी कि कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। तो चलो अभी दो एग्जांपल्स दिए। देखो एक बात समझो कि चीजें बड़ी कम होती हैं। मैंने आपको क्या समझाया? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज्यादा आप क्या होंगे? एक्सपर्ट बनेंगे उस टॉपिक में, उस कॉन्सेप्ट को और मजबूत बना पाएंगे। सुना है वो कहावत, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। सीखने वाली चीज इतनी होती है, छोटी सी होती है, जो मैंने आपको पहले 5 मिनट में सिखा दिया था कि हाउ टू कन्वर्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक मैं नए तरह का प्रॉब्लम इसमें और बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना आप लोग। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे पास लेट इट बी, मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, किसको कन्वर्ट कर दो, छोटा सा वेलोसिटी को, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है इन अ सिस्टम इन विच लेंथ इज इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन आवर्स। क्या बोला? कि अब आपको सीजीएस नहीं बोला गया, वहां तो डिफाइंड है कि भाई सीजीएस सिस्टम में लेंथ आपका सेंटीमीटर में ही होगा, मास ग्राम में ही होगा, टाइम सेकंड में ही होगा। वो डिफाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एमकेएस में क्या होगा? लेंथ आपका किस में होगा? मीटर में ही होगा। मास किस में होगा? टाइम में ही होगा, सॉरी मास किस में होगा? केजी में होगा। एंड टाइम किस में होगा? सेकंड्स में फिक्स्ड है, दैट यू कैन नॉट चेंज। बट हाँ, प्रॉब्लम तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई मीटर पर सेकंड यानी कि ऐसा सिस्टम को मैंने कन्वर्ट करवाना है, ऐसे सिस्टम में, इस तरह के सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें लेंथ को किलोमीटर से मेजर करेंगे और टाइम को किसे मेजर करेंगे? आवर्स में। ऐसे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। डन। मास तो इसमें चलो होता ही नहीं है, तो पहले वेलोसिटी का क्या करेंगे? फिर वो कन्वर्ट कर रहा हूं LT-1, दिस इज योर वेलोसिटी, यही फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी, दैट इज LT-1। ओके, नाउ बच्चों फॉर्मूला लिख लो, n2 इक्वल्स टू n1 m1 बाई m2। अच्छा m2 था ही नहीं, तो लिखूं कि नहीं लिखूं? m नहीं, क्या जरूरत है लिखना यार, अननेसेसरी का टेंशन लेना, इसको मिटा दो। क्या लिखना हमने? वैसे लिखना भी हो तो जब पावर 0 लिख देना। l1 बाई l2 का पावर 1, t1 बाई t2 का पावर -1, ठीक है दोस्तों। एनी प्रॉब्लम? n2 इक्वल्स टू n1, n1 कितना है? 2,
एल वन लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम, पहला वाला तो मीटर ही है, लेकिन सेकंड में क्या बोला गया, लेंथ इज इन किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर लिखूंगा मैं, ठीक है। टाइम फर्स्ट में तो सेकंड ही होता भैया, दूसरे में क्या बोला, आवर्स में मेजर करना है, आवर माइनस वन, डन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करवा लो यार, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो कहीं पर भी किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम सब बॉन्ड लोग हैं, है ना। ओके, एन टू इक्वल्स टू टू, चलो भाई अब मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। मैंने आपको बताया था एक्चुअली, मैं जब मैं खुद भी स्टूडेंट था तब उस टाइम पे क्या था, टीचर दोनों तरफ से कन्वर्ट करना सिखाते थे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा यार बात तो एक ही है, तो क्यों ना एक ही बस याद किया जाए, तो मैंने हमेशा बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना सीखा, और छोटे वाले में इतना याद रखा कि जो वहां पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे वो डिवाइड कर दूँ, अपने दिमाग को मतलब स्टोरेज कम हो, मेमोरी कम फुल हो, इसलिए ऐसे करना चाहिए। आप लोग भी ऐसे अपना क्रिएटिविटी दिखाया करो, सोचा करो, चलो मेरे सोचने का तरीका अलग, आपके सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, तो अपने तरीके से भी चीजों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे मैं लिख दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, थोड़ा बहुत फिर चलता है। सो फ्रेंड्स, तो मैंने वही सीखा था और वही काम आता है मेरे हमेशा। अब मीटर को मैं किलोमीटर में नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मीटर को किलोमीटर करूंगा तो वन अपॉन थाउजेंड, और किलोमीटर मीटर को इन टू थाउजेंड, तो मैं यही लिखूंगा, देखो यहाँ पे मीटर और यहाँ पे क्या लिखूंगा, थाउजेंड मीटर, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, थाउजेंड, तो बड़े से छोटे से मल्टीप्लाई करने में मजा आ जाता है, ठीक है, यही कर लिया मैंने। तो रिलैक्स आ करो, सेकेंड है उसको रहने दो भाई, छोटा है, बड़े वाले कन्वर्ट करता, वन आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं भाई, 3600 ना, पावर माइनस वन भी है, थोड़ा भी ध्यान रखना। चलो भाई ये कट गया, ये कट गया, मैं लिखता हूँ एन टू इक्वल्स टू टू इंटू वन अपॉन थाउजेंड इंटू वन अपॉन 3600 का पावर माइनस वन है, पावर मत भूल जाना, ये भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एन टू इक्वल्स टू टू इंटू वन अपॉन थाउजेंड, एक काम करता हूँ, वन अपॉन 360 को अगर मैं ऊपर पलट दू तो पावर वन हो जाएगा, रिवर्स कर दिया ना, नीचे से ऊपर कर दे, वन बाई एक्स को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वन हट के प्लस वन हो गया, 3600 ऊपर चला गया, इसका मतलब है सेकेंड है ना, नीचे ऊपर ले जाना है, तो भाई क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। अब देखो 2 × 3600 अपॉन थाउजेंड, तो देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 10 बचा, 36 × 72 72/10 यानी कि 7.2, क्या आया, 7.2। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ व्हाट वी कैन से, 2 मीटर पर सेकेंड को जब इस सिस्टम में कन्वर्ट करो किलोमीटर आर में, तो 7.2 किलोमीटर पर आर आएगा, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसा, देखो लिख रहा हूँ फाइनली, 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 7.2 किलोमीटर पर आर, इज इट ओके, इसको कन्वर्ट कर लिया, आप लोगों को आता भी होगा शायद, 5/18 मल्टीप्लाई करते थे जब कन्वर्ट करते थे, है ना, याद आ रहा है, तो चलो वहां से देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये मैंने आज आप लोगों को कन्वर्ट करना सिखाया, एक बार देख लें आप लोग। तो हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना सीखा, और आई होप कि आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा, और इस पर प्रैक्टिस करना है। देखो भाई ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता प्रॉब्लम्स की, आप अपने एकेडमिक से शीट्स लें, और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, नेट पे अवेलेबल है, हमसे मांग सकते हो कहीं से भी इनके क्वेश्चन, बुक्स आपके पास है सबसे बड़ी बात, उन बुक्स से आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, डेरिवेशन ऑफ